तो दारू के बाद अब दबा घोटाले का आरोप बीजेपी लगा रही अरविंद केजरीवाल पर। इन सब के बीच सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ क्या नहीं है हाथ, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं। सवाल ये भी है, इंडिया जो गठबंधन है उसमें क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी नहीं हुआ। इस बीच कांग्रेस ने आज दिल्ली में मीटिंग कर जो रणनीति बनाई उसके बाद गठबंधन में विवाद तय है। कांग्रेस की बैठक में पंजाब के नेताओं ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बात कही है, तो माना यह जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस की इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बैठक में खड़गे, राहुल, प्रियंका शामिल हुए। इस मंथन चिंतन में राहुल की न्याय यात्रा के साथ साथ गठबंधन को लेकर भी बात हुई। बैठक में ज्यादातर प्रदेश इकाइयों ने ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने की मांग रखी, लेकिन पंजाब और केरल के नेताओं ने अपने राज्यों में गठबंधन न करने की सलाह देकर आलाकमान को उलझा दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी और केरल में लेफ्ट से गठबंधन की बात चल रही थी। 2019 लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 2 सीट बीजेपी जीती थी, 2 अकाली दल और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में स्थितियां बदल गई। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। उस जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। आज की मीटिंग में, बैठक में गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई है। तो आप सभी सीटों पे जा रहे हैं? 100% आज की हमारी तैयारी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, और 13 की 13 सीटों पर किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, कौन से हमारे उम्मीदवार होंगे, क्या क्या उसके लिए हमने काम करना है 3-4 महीनों में, उस बातों के ऊपर लेकर चर्चा होगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता लंबे समय से आमने सामने हैं। पिछले दिनों एबीपी न्यूज सी वोटर ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को 5 से 7 जबकि आम आदमी पार्टी को 4 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। मतलब आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिलती दिख रही है। शायद यही वजह कांग्रेस यहां आम आदमी पार्टी से गठबंधन को तैयार नहीं। और आपको लगता है कि प्रदेश में उसकी सरकार है तो सभी सीटों पर वो ही चुनाव लड़े? कई बार इस तरह की बात केजरीवाल कह चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।